So now today's class we study about periodic classification of Lothar Meyer. थोड़ा लोथर मेयर के बारे में सुन लो. लोथर मेयर क्या क्या किया था. एक्चुअली हुआ क्या था, मेंडलीफ सबसे पहले तो आपका डोबर्नियस ट्रेट्स आया तो उसका लिमिटेशन में चला गया. डोबर्नियस के होने के बाद आपका न्यूलैंड आया, न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ आया था. मेंडलीफ के टाइम में एक दूसरा साइंटिस्ट हुआ करते थे लोथर मेयर. तो लोथर मेयर जो है वो मेंडलीफ के टाइम के ही थे और ये मेंडलीफ जो था वो रशियन था और ये जर्मन साइंटिस्ट थे. लोथर मेयर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे और मेंडलीफ जो थे वो रशियन साइंटिस्ट थे. तो एक्चुअली मेंडलीफ का ज्यादा फेमस हुआ था, इनका ज्यादा फेमस नहीं हुआ था. बट लोथर मेयर ने मेनली मेंडलीफ के टाइम का ही पीरियोडिक टेबल निकाला था. मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, इनके पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस क्या है, तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में रो और कॉलम बनाए जाते थे, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन इसमें ग्राफ बनाया जाता है. तो लोथर मेयर में जो है वो ग्राफ का फॉर्मेशन होता है. लोथर मेयर ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था, ग्राफ बनाया था. तो इसमें ग्राफ बनाया था. ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया था, तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस से बताया. सॉरी, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास था, नंबर नहीं था, एटॉमिक मास. इनके बीच में उसने एक ग्राफ लोथर मेयर ने ड्रॉ किया था. मेंडलीफ ने कोई ग्राफ वगैरह नहीं ड्रॉ किया था, मेंडलीफ ने वर्टिकल रो और हॉरिजॉन्टल रो बनाया था, लेकिन लोथर मेयर ने एक ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास. ये जो था, जो वॉल्यूम, जो नॉन एलिमेंट थे, जो नॉन एलिमेंट थे, जो उस समय से हमें पता लग गया था कि ये एलिमेंट है, तो नॉन एलिमेंट का उस समय डेंसिटी हमें मालूम था, डेंसिटी हमें मालूम था, एटॉमिक के एटॉमिक मास हमें मालूम था. इस दोनों के हेल्प से लोथर मेयर ने क्या किया, डेंसिटी निकाला. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. सॉरी, लोथर मेयर ने वॉल्यूम निकाला क्योंकि डेंसिटी हमें मालूम था और एटॉमिक मास हमें मालूम था उस एलिमेंट का. तो उसके हेल्प से ये मालूम था और ये मालूम था, उसके हेल्प से एटॉमिक वॉल्यूम निकाला उसने. तो पहला पॉइंट हमारा ये बोलता है कि लोथर मेयर लोथर मेयर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे और ये मेंडलीफ के टाइम के साइंटिस्ट थे. इन्होंने कोई रो और ग्रुप नहीं बनाया था, कॉलम और नहीं बनाया था, इन्होंने ग्राफ बनाया था. किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में बनाया था. नॉन एलिमेंट का हमें उस समय डेंसिटी और एटॉमिक मास हमें मालूम था, तो हम डेंसिटी के हेल्प से और मास के हेल्प से उन्होंने क्या किया, वॉल्यूम निकाला. वॉल्यूम निकालने के बाद उन्होंने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम में और एटॉमिक मास में. किसका ग्राफ बनाया, जितने भी नॉन एलिमेंट थे सबको ऑब्जर्व करके एक उन्होंने ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एटम कैसा होते हैं, एटम स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल यानी फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, और स्फेरिकल होने की वजह से, फुटबॉल के जैसा होने की वजह से उनके बीच में वॉल्यूम होते हैं. फुटबॉल में वॉल्यूम होता है ना, 3D में उसके अंदर वॉल्यूम होते हैं. उसी वॉल्यूम को कैलकुलेट किया था डेंसिटी के हेल्प से. जैसे मान लो ये फुटबॉल है,
ठीक है, ये मान लो फुटबॉल है। अब इसके अंदर वॉल्यूम उसने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम निकाला इसका, एटॉमिक वॉल्यूम, किसके हेल्प से, जो एलिमेंट थे उसका डेंसिटी और मास के हेल्प से वॉल्यूम निकाला उन्होंने। वॉल्यूम निकालने के बाद वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास लिया। तो पहला पॉइंट हमारा ये बोलता है कि लोथर मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब मेंडलीफ वर्क कर रहे थे उस समय वर्क लोथर मेयर ने भी किया था, और मेंडलीफ ने ग्रुप और पीरियड बनाया था जबकि लोथर मेयर ने ग्राफ बनाया था। ग्राफ किसके विषय में बनाया था, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया था और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास लिया था। ठीक है, डेंसिटी के हेल्प से उन्होंने जो नॉन एलिमेंट थे, जितने हमें उस समय एलिमेंट मिल गए थे, उसके हेल्प से डेंसिटी और मास के हेल्प से उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला, एटम का वॉल्यूम निकाला, क्योंकि एटम स्फेरिकल होता है, फुटबॉल का जैसा होता है, थ्री डी में होता है, तो उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है एटम का, 4/3 πr³, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये मैंने आपको ऐसी नॉर्मल बता दिया, यहां पर कोई यूज नहीं है फॉर्मूला का। तो उन्होंने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद कुछ उनको पॉइंट रिपीटिशन में आया, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन आया, क्या क्या ऑब्जर्व किए वो चीजें हमें देखना है कि उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया, बराबर है क्या। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या क्या किया ये चीजें हमें देखना है। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आपका जो वॉल्यूम है गुडाउट का, उसमें वॉल्यूम दिया नहीं है, ग्राफ दिया नहीं है, तो आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं अभी बोलूंगा तब लेना स्क्रीनशॉट। अभी मत लेना, जब मैं बोलूंगा तब लेना, क्लियर दिखेगा तब लेना। चलो लो, अब हो गया सबका, ओके। अब इस ग्राफ को आप देखते रहना, मैं इसी में से बताता रहूंगा, ठीक है। तो पहले समझ लो कि उन्होंने ग्राफ में क्या क्या ड्रॉ किया। तो आप जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं वो आप ड्रॉ नहीं करोगे, जो अभी अभी स्क्रीनशॉट दिया उसको आप ड्रॉ करोगे। तो मैं यहां पर कुछ सारे ड्रॉ नहीं करूंगा, बस एक दो ऑब्जर्वेशन के लिए मैं ड्रॉ करूंगा। यहां हाइड्रोजन, यहां हीलियम, यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीनियॉन, सोडियम, एमजी, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। मैं इतना ही ड्रॉ कर रहा हूं, आप अच्छे से लिख के ड्रॉ करना। अब ड्रॉ करने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, एटॉमिक जितने भी ये नॉन एलिमेंट है, जब उसके टाइम में इतना एलिमेंट की जानकारी था, अभी और थे एलिमेंट, उसका सबका एटॉमिक वॉल्यूम निकाल कर और एटॉमिक मास निकाल कर, एटॉमिक मास तो मालूम था, उसको ग्राफ पे प्लॉट किया। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद कुछ उसको ऑब्जर्वेशन दिखा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिखा, उससे पहले हम दो तीन पॉइंट लिखेंगे। तो पहले एक दो पॉइंट पहले आप लिखो। अच्छा, एक चीज और है,
जो मेन लोथर मेयर जो काम किया था, लोथर मेयर जो काम किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके ऊपर ज्यादा काम किया था, जबकि मेंडलीफ जो अपना मेन वर्क किया था वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर मेन वर्क किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में और लोथर में क्या डिफरेंस है, तो पहला एक तो ये है, डिफरेंस क्या मतलब, एक तो हम लोकलिटी बोल सकते हैं कि जो मेंडलीफ थे रशियन साइंटिस्ट थे और लोथर मेयर जो थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे। सेकेंड, जो मेंडलीफ थे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे अपना रो और कॉलम जनरेट किया था, और एक कॉलम में रहने वाला सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसा हुआ करता था, जबकि लोथर मेयर ने कभी भी रो और कॉलम के बारे में बात ही नहीं किया था, उन्होंने ग्राफ के बारे में बात किया था। ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच, एटॉमिक मास के बीच में उन्होंने निकाला था, किसके बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे। जो नॉन एलिमेंट थे उस समय तक के लिए, उनका सबका डेंसिटी मालूम था, मास मालूम था, उनके बेसिस पे एटॉमिक वॉल्यूम सबका कैलकुलेट किया उन्होंने, और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मेनली जो इन्होंने वर्क किया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर किया, जबकि मेंडलीफ ने मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा वर्क किया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, हम दो एक दो पॉइंट लिख देंगे लोथर मेयर के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन करो, लोथर मेयर ड्रॉ द ग्राफ, लोथर मेयर ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लोथर मेयर इज ए जर्मन साइंटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट वर्क मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लोथर मेयर कैलकुलेटेड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ नोन एलिमेंट with the help of density and mass of the element
density and mass of the element. Density and mass of the element. अब एक्चुअली बात ऐसा था कि वॉल्यूम निकालने का एक और भी तरीका है, 4/3 πr³, लेकिन 4/3 πr³ उसमें रेडियस मालूम होना चाहिए था, और उस समय जमाना था किसका, मेंडलीफ और लोथर मेयर का, उस समय बोर का जमाना नहीं था, उस समय अच्छे से पीरियोडिक टेबल भी नहीं आया था, बोर तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद आया था, तो उस समय हम एटम का रेडियस भी कैलकुलेट नहीं किया करते थे, नहीं तो हमारे पास दूसरा भी तरीका था वॉल्यूम निकालने का, 4/3 πr³, आज के टाइम हम ऐसा भी निकालते हैं वॉल्यूम, बसरते कि उसका रेडियस मालूम होना चाहिए, लेकिन जब लोथर मेयर का टाइम था उस समय रेडियस कहाँ लोगों को मालूम था, ऑर्बिट थोड़े ना मालूम था लोगों को कि ऑर्बिट भी कोई चीज होता है, समझ में आया क्या। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो आप ग्राफ जो हमने अभी स्क्रीनशॉट आपको दिया उसमें से आप ड्रॉ करोगे। अब ग्राफ में कुछ उसने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद वो बोला जैसे पीक पॉइंट पे जो एलिमेंट आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो पीक पॉइंट वाले एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टीज मैच करेगा, ठीक है, जो बॉटम लेयर वाले हैं उनका प्रॉपर्टीज मैच करेगा, जो असेंडिंग ऑर्डर के मिड में है उनका प्रॉपर्टीज मैच करेगा। तो उन्होंने अपना कुछ ऑब्जर्वेशन दिया ग्राफ के बेसिस पे, तो आगे लिखना ही ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लिखना, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और ग्राफ ड्रॉ कर लेना। आप नीचे लिखो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, तो ग्राफ ड्रॉ करना बाद में, राइट डाउन करो पहले। ही ऑब्जर्व डेट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ही ऑब्जर्व डेट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ही ऑब्जर्व डेट सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट obtain a periodically repeated pattern, यानी एक इंटरवल के बाद, एक पीरियोडिकली इंटरवल के बाद वो चीजें रिपीट हो रहा है, तो उसको बोल दिया कि उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, मैच करेगा, तो पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न, यानी जो उस पे आ रहा था किस पे, पीक पर, तो उन्होंने बोला कि सबका प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। अब नीचे लिखो पॉइंट नंबर वन, जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक जो हमने पढ़ाया उस पे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं आएगा, अब जो चार पॉइंट हम लिखवाएंगे उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बना के दिया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि लोथर मेयर ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो हम पहला पॉइंट लिखो अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम that's why it occupy maxima of the curve। आप जो हमने अभी स्क्रीनशॉट आपको भेजा उस पर आप देखना, जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे सबसे ऊपर मैक्सिमा ऑफ द कर्व, मतलब पीक पॉइंट ऊपर, मैथ में पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा, तो पीक पॉइंट पर जो है सबसे ऊपर टॉप पे वो अल्कली मेटल है। अगर हम आज के टाइम में सोचे क्या वो सही दिया था, तो हाँ बिल्कुल सही दिया था। अल्कली मेटल के आज के टाइम में मॉडर्न में हम एक ही ग्रुप में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, जब के टाइम जितना सर्च हुआ था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखोगे ग्राफ में अल्कली मेटल टॉप पे आता है, तो उनका प्रॉपर्टीज तो मैच कर रहा था। मैक्सिमा मीन्स पीक पॉइंट,
मैथ में पढ़ोगे मैक्सिमम मैक्सिमा ऐसे भी पूछा जाता है, मैक्सिमा ऐसे जहाँ टेंडेंट स्लोप जीरो होता है, dx अपॉन dy इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ टेंजेंट जीरो होता है स्लोप जीरो होता है। लेकिन हम नॉर्मल हम केमिस्ट्री में बोल रहे हैं कि मैक्सिमा हम उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर पीक पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो मैथ के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, मैथ में dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो हो जाता है, मैक्सिमा मिनिमा। तो यहां पर मैक्सिमा का मतलब पीक पॉइंट, ठीक है। दिस वन इज आवर मैक्सिमा पॉइंट, पीक पॉइंट। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया आज के टाइम में अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बोला था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाई। अच्छा उस समय सारा एलिमेंट का सर्च भी नहीं हुआ था, जितना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग तो सही दिया था उन्होंने। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट ऑक्युपाई मिड पोजिशन ऑफ द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, मिड पॉइंट ऑफ, पेज नंबर वन पे है, मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। तो तुम ग्राफ में ऑब्जर्व करो, ये सेंडिंग है चढ़ता हुआ ऊपर, जिसका स्लोप पॉजिटिव है सेंडिंग है, और जिसका स्लोप नेगेटिव है वो डिसेंडिंग है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हर ग्राफ के मिड में होता था। तो ये ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है 100% ट्रू ना हो, जैसे यहां लिथियम यहां मिल रहा है लेकिन ये मैक्सिमम कॉमन टाइप की बातें कर रहा है। तो एसेंडिंग डिसेंडिंग के मिड में अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलता था। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि अल्कली मेटल का पोजीशन कहां है, तो अल्कली मेटल विल ऑक्युपाई एट द पीक पॉइंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल विल बी ऑक्युपाइड एट मिड ऑफ डिसेंडिंग पोजिशन ऑफ द कर्व, मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पोजिशन ऑफ द कर्व। ओके नाउ थर्ड पॉइंट, हैलोजन ऑक्युपाई हैलोजन ऑक्युपाई ऑन डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व ऑफ द एसेंडिंग हैलोजन ऑक्युपाई ऑफ द एसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व बिफोर इनर्ट गैस। मतलब इनर्ट गैस समझ में आ गया, और यानी हैलोजन का पोजीशन उन्होंने कहां देखा कि एसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, कहां पे, हैलोजन इनर्ट गैस के पहले। तो हैलोजन विल ऑक्युपाई एट द एसेंडिंग पोजीशन बिफोर इनर्ट गैस। ये पॉइंट ध्यान में रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाई मिनिमा ऑफ द कर्व, मिनिमा मतलब सबसे लोएस्ट, तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ोगे मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट, दिस वन इज मिनिमा। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएशन विल बी जीरो इन द मैथमेटिक्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, मिनिमा मीन्स दैट इज मिनिमा लोएस्ट पोजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाई एट द मिनिमा ऑफ द कर्व।
तो आपको ध्यान में रखना होगा चार पॉइंट, यही पूछा जाता है, अल्कली मेटल मैक्सिमा, ट्रांजिशन एलिमेंट मिनिमा, दो याद हो गया, अल्कली मेटल मैक्सिमा और ट्रांजिशन एलिमेंट मिनिमा। डिसेंडिंग के मिड में अल्कली, सॉरी डिसेंडिंग के मिड में अल्कलाइन अर्थ मेटल, डिसेंडिंग के मिड में अल्कलाइन अर्थ मेटल और एसेंडिंग में बिफोर इनर्ट गैस के पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल। उल्टा बोल दिया मैं, थोड़ा रुक गया, क्या याद रखोगे? हमें याद रखना है पीक पॉइंट पे यानी मैक्सिमा पे अल्कली, मैक्सिमा पर अल्कली, मैक्सिमा पे कौन ऑक्यूपाई करता था? अल्कली, जिसका प्रॉपर्टीज एक जैसा मैच करता था। मिनिमा पर, मिनिमा पर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बराबर है। डिसेंडिंग के मिड में, मिड ऑफ डिसेंडिंग ऑफ द कर्व, यहां रहता था अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी सबसे ऊपर अल्कली और सबसे नीचे ट्रांजिशन, और ऐसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अल्कली मेटल हल्के होते हैं ना, लाइटर होते हैं ना, अल्कली मेटल क्या होता है? हल्का होता है, लाइटर होता है। अगर हम ऐसे सोचे अल्कली मेटल क्या होता है, तो अल्कली मेटल इज लाइटर, हल्के होते हैं। लाइटर होने का मतलब उसका डेंसिटी कम होता है, जब डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। डेंसिटी जब कम होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि अल्कली मेटल टॉप पे ही क्यों मिलता था, तो अल्कली मेटल टॉप पे मिलने का रीजन ये है कि ये जो अल्कली मेटल है वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, इस केस में इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लाइटर जब होगा तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसीलिए अगर हम बात करें मिनिमा पे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रहते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ा वेट ज्यादा होता है, उनका डेंसिटी ज्यादा होता है, ऑस्मियम का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम कम होगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट लोअर में ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्राफ में क्या दिखाना है? कम, और इस ग्राफ में क्या दिखाना है? ज्यादा। तो वॉल्यूम हमें कम दिखाना है तो मिनिमा पे ट्रांजिशन एलिमेंट ही रहता है। तो ये हमें दो याद हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में अल्कलाइन अर्थ मेटल याद रखना है, और एसेंडिंग ऑर्डर में, एसेंडिंग ऑफ द कर्व, एसेंडिंग ऑफ द कर्व बिफोर, बिफोर क्या? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या आता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको जेहन में बैठा लेना, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बना के आपको दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि लोथर मेयर में जो चार, ये हमने लास्ट में पॉइंट लिखवाए हैं, वो चार पॉइंट जो है वो, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से हमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ये चारों में से ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर देता है कि बताइए इसमें से कौन ट्रू लोथर मेयर ने सही सही बताया था। तो मैक्सिमा और मिनिमा पोजीशन को आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? किसी को डाउट लोथर मेयर कर्व में? अच्छा, और बात रहा किसका?
दो वर्नियर स्ट्रेट्स आपको याद है, और न्यूलैंड्स का आप 9th 10th में पढ़ के आते ही हो, न्यूलैंड्स और दो वर्नियर्स। जो नहीं पढ़े थे लोथर मेयर वो हमने आपको बता दिया। अब मुझे बताओ इनमें से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तो थोड़ा सा और रह गया था। मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी का एक्सेप्शनल का रीजन शायद एक्सप्लेन करना था, तो हमने केवल आपको एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्शन का रीजन नहीं बताया था। तो अब देख लो ध्यान से एक्सेप्शन का रीजन क्या है। तो हम सारे एक्सेप्शन का रीजन बता रहे हैं जो जो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में। तो क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, और ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब एमसीक्यू में, कई बार जेई नीट में भी आ चुका है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है, जबकि होना चाहिए था फ्लोरीन का ज्यादा, ऐसा क्यों हुआ ही? हमारे को आंसर करना है व्हाई। तो आंसर हम एक लाइन में नहीं लिखेंगे, लेकिन ऑप्शन में तो एक लाइन में होगा, तो हम उस कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे इस रीजन के वजह से होता है, और जैसा हम ऑप्शन आएगा हम उसी के अकॉर्डिंग में हम चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि क्लोरीन को भी बनना है क्लोरीन माइनस, और फ्लोरीन को भी बनना है फ्लोरीन माइनस, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। गेन करने के बाद ये एनर्जी रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। ऐसा क्यों व्हाई? तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 8 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन के आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता है क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा, गेन करने से पहले ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसमें रिपल्सन होता है, तो जब इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो और रिपल्सन बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपल्सन होता है, माइनस माइनस क्या होगा, रिपल्सन होगा, दैट्स व्हाई। अच्छा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट भी करना है लेकिन ये करने नहीं देगा, दैट्स व्हाई when it gain the electron रिपल्सन विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि जब ये थे तो रिपल्सन हो ही रहा था, एक इसके और रिपल्सन करने वाला एक और आ गया। When it gain the electron, रिपल्सन विल इंक्रीज मोर। अच्छा, उसको गेन तो करना ही था, अब जब उसने ऑक्टेट कंप्लीट किया तो एनर्जी लूज करेगा, लेकिन जितना लूज करना था कुछ एनर्जी अपना इस रिपल्सन को कंपनसेट करने में लगा दिया, ठीक है। सम एनर्जी आर यूटिलाइज्ड टू कंपनसेट ऑफ रिपल्सन, कुछ उसने एनर्जी को कंपनसेट करने में लगा दिया, जितना रिलीज करना चाहिए था उतना नहीं रिलीज किया, क्योंकि इनके बीच के झगड़े को निपटाने में कुछ एनर्जी उसने लगा दिया। तो मान लो रिलीज करना था -50, तो 10 क्या कर दिया, इनमें यूज कर लिया कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। ड्यू टू स्मॉल साइज देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, दैट्स व्हाई व्हेन इट गेन द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विल इंक्रीज मोर, सम एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू कंपनसेट द रिपल्सन, दैट्स व्हाई
it release less energy than chlorine. That's why it release less energy than chlorine. ठीक है. अच्छा, क्लोरीन के बारे में हम क्या बोलेंगे? तो क्लोरीन के बारे में हम ये बोलेंगे कि क्लोरीन का साइज जो है, मैं थोड़ा साइज इधर बना दे रहा हूं, क्लोरीन का साइज जो है थोड़ा बड़ा है, इसका वॉल्यूम, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है. तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिस्टेंस पे है, ये क्लोज एक दूसरे के पास पास है, जबकि ये थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो इसमें उतना रिपल्सन नहीं है. इनका घर बड़ा है तो इसमें इतना रिपल्सन नहीं है, इसमें पास पास होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा है. तो हम लिखेंगे इन क्लोरीन साइज विल बी लार्जर देन, साइज विल लार्जर देन, साइज विल लार्जर देन फ्लोरीन, साइज विल लार्जर देन फ्लोरीन. साइज बड़ा होता है, दैट्स व्हाई लेस रिपल्सन, दैट्स व्हाई लेस रिपल्सन विल अकरिंग, दैट्स व्हाई लेस रिपल्सन विल अकरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ऐसा नहीं कि रिपल्सन नहीं होता, होता है. सो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंपनसेट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द रिपल्सन. सो मैक्सिमम एनर्जी विल, मैक्सिमम एनर्जी विल रिलीज. तो ये हमारा, हमने रीजन लिखे. ठीक है, अब हो सकता है ऑप्शन में इतना तो देगा नहीं ऑप्शन में आपको, तो ऑप्शन में हम जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऑप्शन में हम ढूंढ के लिखेंगे कि कौन उसमें से सही बैठ रहा है. बराबर है क्या? और मेन जो रीजन हो साइज की वजह से, साइज और रिपल्सन की वजह से. साइज छोटा है, रिपल्सन ज्यादा है. साइज थोड़ा बड़ा है, रिपल्सन कम है, इसलिए आसानी से ये गेन ये कर लेगा, तो एनर्जी को कम यूज करेगा रिपल्सन को कंपनसेट करने में. ये सबको समझ में आया क्या? ओके, किसी को डाउट है?